गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कार्बोबोरेन हम इसमें देखेंगे, कार्बोबोरेन्स जो मॉलिक्यूल है इसमें देखिए C2B10H12, ये कार्बोबोरेन है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन बोरोन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसे कहते हैं कार्बोबोरेन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे, सेट CSIR, नेट, GRF और गेट के लिए क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, वेड रूल से सेकेंड नंबर ऑफ आइसोमर्स, थर्ड टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, फोर्थ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि C2B10H12 का वेड रूल क्या है और इसे कितने आइसोमर बनाते हैं, C2B10H12 कौन कितने आइसोमर बनाता है और कौन कौन से बनाता है और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं C2B10H12 में, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए वेड रूल, इसमें भी हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड की वैल्यू M+1, M+2, M+3, M+4। जेड की वैल्यू M+1 आ गया तो क्लोजो कार्बोरेन, यहां भी हमने कार्बोरेन इसको हम देख लेते हैं पार्ट 8, हाइड्रोबोरेन में रख दिया इसको। M+1 आ गया तो क्लोजो कार्बोरेन, M+2 नीडो कार्बोरेन, M+3 आ गया आर्चिनो कार्बोरेन, M+4 में हाइपो कार्बोरेन, ये हो गया। अब हम इससे निकालते हैं कि जेड की वैल्यू निकालते कैसे हैं। जेड इज इक्वल टू होता है N into CH plus M into BH plus Z into H plus minus charge upon 2, ये हो गया। जहां पर देखिए N है नंबर ऑफ C एटम्स, CH मीनिंग होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, M नंबर ऑफ बोरोन एटम्स, BH 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, देन Z, इसको Y कर देते हैं, Y है नंबर ऑफ H एटम, H है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब देखिए क्या बना, Z इज इक्वल टू टोटल है C2B10H12, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, 10 इसको दे दो, टोटल 12 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 10 इसको दे दो, हाइड्रोजन कुछ नहीं बचा,
तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, देखिए इसके लिए n आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू टू सी एच थ्री एम टेन बी एच टू वाई जीरो हाइड्रोजन वन, चार्ज भी कुछ नहीं है। तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा टू इंटू थ्री प्लस टेन इंटू टू, चार्ज कुछ नहीं, अपॉन टू, जेड इज इक्वल टू आ गया सिक्स प्लस ट्वेंटी अपॉन टू, 26 अपॉन टू, तो ये आ गया 13। 13 को हमें डिवाइड करना है। एम क्या है यहाँ पर, एम है टोटल नंबर ऑफ बोरॉन एंड कार्बन एटम, तो टू बोरो 10 बोरॉन 2 कार्बन कितने हो गए 12, 12 अपॉन वन, 13 हो गया, 12 की जगह हम क्या रख देंगे एम प्लस वन, तो ये हो जाएगा क्लोजो कार्बोरेन। ये है, आप इसको याद रखना, सी टू बी टेन एच ट्वेल्व क्या है, क्लोजो कार्बोरेन है। सेकेंड आता नंबर ऑफ आइसोमर्स, सी टू बी टेन एच ट्वेल्व जो आइसोमर बनाता है वो बनाता है थ्री आइसोमर। नेक्स्ट है थर्ड आइसोमर्स, ये होता है नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ कार्बन एटम, टू कार्बन एटम है तो ये थ्री टाइप के होते हैं। नंबर ए होता है वन टू कार्बोरेन, नंबर बी वन सेवन कार्बोरेन, नंबर सी वन ट्वेल्व कार्बोरेन। ये ध्यान देना, वन प्लस टू को ऑर्थो मेटा एंड पैरा, जब कार्बन की पोजीशन क्या हो वन और टू पे हो तो उसे कहते हैं वन टू कार्बोरेन या वन टू सी टू बी टेन एच ट्वेल्व, इसको कहते हैं ऑर्थो कार्बोरेन। कार्बन की पोजीशन अराउंड सेवन पर हो तो उसे कहते हैं वन सेवन कार्बोरेन या मेटा कार्बोरेन। कार्बन की पोजीशन अराउंड ट्वेल्व पे हो तो उसे कहते हैं पैरा कार्बोरेन। सी टू बी टेन एच ट्वेल्व थ्री आइसोमर बनाता है, वो बनाता है ऑर्थो मेटा पैरा या वन टू वन सेवन वन ट्वेल्व। फोर्थ है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जो वेट रूल के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला था, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इसमें अपॉन टू नहीं करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू एन इंटू सी एच प्लस एम इंटू बी एच, हाइड्रोजन नहीं है, चार्ज भी नहीं है, ये हो जाएगा टू इंटू थ्री प्लस टेन इंटू टू सिक्स प्लस ट्वेंटी, ये आ जाएगा 26, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 26 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी टू बी टेन एच ट्वेल्व, इससे नेट में यही क्वेश्चन आता है, वर्ड रूल से ये हो गया आपका क्लोजो कार्बोरेन और सी टू बी टेन एच ट्वेल्व नंबर ऑफ आइसोमर बनाता है थ्री, कौन कौन से है वन टू वन सेवन वन ट्वेल्व ऑर्थो मेटा पैरा, टोटल इलेक्ट्रॉन 26। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, थैंक यू सो मच।